भगवान को कौन जान सकता है इस दुनिया में, किसकी दम है। वेद भी कहते, शास्त्र भी कहते, सब कहते हैं कि बस जितना हम बता रहे उतना ही नहीं है, इसके आगे भी कुछ जो हम कह रहे वही पूरा नहीं है। नेति नेति कहते हैं शास्त्र, शास्त्र कहते कि भाई जो हम बता रहे केवल उतना ही नहीं, भगवान और भी है। और इसलिए गोस्वामी जी ने पर एक चौपाई में पूरी बात भगवान की कह के भगवान को ही ब्राह्मण मानो कर लिया। भगवान को हृदय में समेटना चाहा एक चौपाई से। कौन सी चौपाई है वो जिसमें भगवान के बारे में, भगवत्ता के बारे में, भगवान की भगवत्ता के बारे में एक चौपाई में समेटना चाहा गोस्वामी जी ने। हरि अनंत हरि कथा अनंत, अनंत को भी समेटना चाहा गोस्वामी जी ने एक चौपाई में। कहां ही सुनाही बहु विधि सब संत, ऐसे पूर्ण परब्रह्म परमात्मा नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन चित चोर माखन चोर मुरली मनोहर छलिया गिरधारी बनवारी गोपाल दामोदर भगवान श्री द्वारकाधीश कृष्णचंद्र जी सरकार नंद के छैया ब्रज के छैया ब्रज के कन्हैया भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के प्रेम में पागल गोपियां उन परब्रह्म परमात्मा की शरण में उनको पाने के लिए गई है। एक बात और, शरण भी जाओ, हम लोग किसी की भी शरण में चले जाते हैं। कोई भी देखे महाराज आप ऐसा सब कुछ है, होना ऐसा नहीं चाहिए। शरण तो एक ही परमात्मा की पकड़नी चाहिए। एक बार विदिशा के पति पत्नी चंगीलाल और मुन्नी भाई, विदिशा के पति पत्नी चंगीलाल मुन्नी भाई दोनों तीर्थ गए, तीर्थ तीर्थ नहीं बागेश्वर धाम गए। बागेश्वर धाम पर उन्होंने अर्जी बांधी नारियल की, तो अर्जी बांधी तो पति ने पूछा पत्नी से तुमने क्या मांगा है। पत्नी बोली हमने यही मांगा है कि तुम्हारा साथ सात जन्म तक मिले। लेकिन पत्नी ने थोड़ी देर बाद हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद पत्नी ने पूछा कि तुमने क्या मांगा। पति बोला हमने ये मांगा कि हमारा यही सातवां जन्म हो गए। अब कौन रहे तुम्हारे साथ, इसलिए ये अंतिम जन्म चाहते हैं हम भगवान से। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो सीताराम। तो हम लोग भी ऐसे ही है, हम लोगों का हाल भी यही है। क्या हाल है, हम लोग किसी के भी पास जाते कह देते बस आप ही सब कुछ हो, आपसे आपसे। हम लोग तो साधारण इंसान के पास भी जाते हैं महाराज आप ही सब कुछ आप। उस आदमी जिस आदमी की कोई क्षमता नहीं वो भी सोचने लगता हम भी कुछ हैं। कई बार हम लोग ऐसे ही शरण पकड़ लेते हैं। लेकिन हम आपसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आपको हम समझाने की बात ये कह रहे हैं शरण पकड़ना ही है तो ऐसी शरण पकड़ो जिस शरण में जाकर के कभी मरण ना हो, उस शरण का नाम प्रभु के चरण है। जिस शरण में जाकर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम जो जन्मे सो निश्चय नाशा जो नाशे सो पुनः प्रकाशा। ऐसी शरण में जाओ कि जहां मरण भी हो तो फिर उनके चरण हो, मरण भी हो तो उनके चरण हो, और चरण हो तो मरते समय भी उनके ही आचरण हो, ऐसा मरण भी बहुत अच्छा है। श्री यमुना जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांग रानी कट हो, जब प्राण तन से